हेलो बच्चों, लेट्स सी आउट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x-3। यहाँ पर हमें तीन कर्व्स की क्वेश्चन दे रखा है एंड बोला जा रहा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व्स कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली एरिया अंडर कर्व्स कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा अंडर द टू कर्व उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स, जहाँ पर वाई वन वाई टू द फंक्शन ऑफ एक्स एंड देन उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे जी ऑफ एक्स वेरी फ्रॉम ए टू बी एंड देन वी पुट द अपर एंड लोअर लिमिट सो दैट विल गेट द फाइनल आंसर। सो ये होता जाएगा कंसेप्ट। बट व्हाट अबाउट द फॉर्मूला दैट इज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू राइट द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y दिया है फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है। तो उसी को मैं यहाँ पर अपोजिट में लिख रहा हूँ तो y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो y है उसको इन द टर्म ऑफ x लेना है इसलिए। और फिर तीसरी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-3। सो बेसिकली इट इज सिमेट्रिक अबाउट एन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। तो यदि हम बोले एट एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 यानी कि जो कर्व्स है वो ओरिजिन से पास होंगी। फिर उसके बाद हम इस वाई स्क्वायर की जगह किसी भी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जैसे कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सो वाई का स्क्वायर है यानी कि एक्स का पावर 4 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 4x-3। सो यदि हम दोनों जानिब 1 पुट करें सो 1 का पावर 4 इज इक्वल टू 4 × 1-3 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। यदि मैं 2 का पावर 4 रख 4 × 2 = 8-3 = 5 सो ये इक्वल नहीं आएगा। इसका मीनिंग ये है कि 1 इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। सो वी वुड से दैट कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस वो क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 0,0 एंड द सेकंड वन विल बी 1,1 बिकॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-3 मीट्स एट 1,1। सो अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस एक्स स्क्वायर है यानी कि ये भी एक्स एक्सिस का पैरेलल में होगा लेकिन निगेटिव अपोजिट टू अपर। सो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड द थर्ड वन विल बी टचिंग टू दिस बोथ। सो इस तरीके से दोनों को टच करते हुए ये तीसरा वाला पैराबोला हो जाएगा दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-3। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये ओ मान लिया इसको हम मान लेते हैं ए और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लेते हैं बी। सो ए के कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल रखे हैं 1,1 ओके 0,0 इसको सी मानिए और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बी मानेंगे। सो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यदि मैं यहाँ पर वाई का मान 0 रख सो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/4। सो यहाँ पर एट वाई इक्वल टू 0 एक्स इज 3/4। सो इन तीनों के बिटवीन में ये रीजन बन रहा है जिसके लिए हमें
एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं द एरिया ऑफ कर्व ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ जो कि रिक्वायर्ड रीजन है। सो इसको हमें डिफाइन कर देंगे। सो हाउ डिड वी कैलकुलेट? सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देख, सो ये जो अपर पैराबोला की क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लोअर पैराबोला वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों के एरिया में से हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो दैट वी विल गेट द रिक्वायर्ड रीजन। सो बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एरिया अंडर द कर्व, दिस इम्प्लाइज दैट के अपर एंड लोअर बोथ आर नथिंग बट सेम। सो उनके लिए हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ द एरिया अंडर द कर्व्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा थर्ड वाला जो रीजन है उसको। तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यदि मैं वाई के लिए बात करूँ सो वाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ओवर फोर एक्स माइनस थ्री। सो हो जाएगा अंडर रूट ओवर फोर एक्स माइनस थ्री डी एक्स। नाउ व्हाट विल बी द लिमिट? सो एक्स स्क्वायर ये दोनों अपर एंड लोअर पैराबोला इनके लिए जो वैल्यू ऑफ एक्स रेंज कर रही होंगी वही वैल्यू हमें सब्सिट्यूट करना होगा। तो देखिए ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो कॉमा जीरो, और ये अपर बोलिए लोअर बोलिए वो जीरो से वन तक के वैरी कर रहे हैं। सो वी वुड से दे विल वैरी फ्रॉम जीरो टू वन। उसी तरीके से ये जो तीसरा वाला पैराबोला है उसके लिए लोअर रेटिंग है एक्स का थ्री बाय फोर एंड अपर रेटिंग विल बी नथिंग बट दिस वन। सो हो जाएगा थ्री बाय फोर से वन तक। नाउ वी डू द इंटीग्रेशन, this will be goes to 2 times of integration of x square will become x cube by 3, the limit will go from 0 to 1 minus under root of the function, so 4x minus 3 root hai yani ki 1 by 2 ho jayega, so 1 by 2 plus 1 will become 3 by 2 divided by 3 by 2 and the limit will go from 3 by 4 to 1. Now we'll substitute the upper and lower limit, we'll get 2 टाइम्स ऑफ, यदि हम यहाँ पर 1 सब्सिट्यूट करें सो 1 बाय 3, 0 सब्सिट्यूट करेंगे 0 सो 1 बाय 3 बच के प्लस माइनस माइनस होगा। अब यदि हम यहाँ पर 3 बाय 2 इसका पावर है, अब 1 रखते हैं सो 4 में से 3 चला गया 1, 1 द पावर एनीथिंग इज गोइंग टू बी रिमेन सेम यानी कि 2 बाय 3 रहेगा। ठीक है, सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 बाय 3 माइनस में। अब 3 बाय 4 सब्सिट्यूट किया सो 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 3 चला गया 0, सो क्या आ जाएगा 0। बट यहाँ पे जैसे ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू चेन रूल यहाँ पर हमें इनसाइड ऑफ द फंक्शन जो 4x माइनस 3 है उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। सो उसका यदि हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 4 भी आएगा। सो इस 4 को फिर हमें यहाँ पर एडअप करना होगा, सो 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6 यानी कि फिर आ जाएगा 1 बाय 3 माइनस में 1 बाय 6 के ऊपर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम थोड़ा सा रॉन्ग किया था, ये 4x माइनस 3 टू द पावर 3 बाय 2 बाय 3 बाय 2 होगा, और डिविडेंड में डेरिवेटिव ऑफ दिस इनसाइड फंक्शन 4x माइनस 3 का क्या होगा, 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो विल गेट 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट एंड देयरफॉर this is going to be the required answer to this question. So as per the given option, okay, no options is given, so this will be the solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.